तो अभी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर, और हमारी नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज जो हमारी शिवन्या जो घर से पहली बार यात्रा पर निकल रही है, एक महीने से ज़्यादा की होगी, एक महीना और दो दिन की हो गई है, और इसकी ये पहली यात्रा है शुभ जर्नी के ऊपर, तो तालियां। दूध पियो कभी भी है? ये एक महीने की हो गई, तो आज इसको सबसे पहले माता जी के और हनुमान जी के दो किलो खिला रहे हैं। मंदिर दर्शन, जो माता जी, हनुमान जी, राम जी, जो भी हमारे गांव में ठाकुर जी के मंदिर हैं, सब जगह जाएंगे, दर्शन करा करके लेके आएंगे, और ये होगी इसकी पहली यात्रा। क्योंकि छोटे बच्चों को सबसे पहले दोग दिलाते हैं, उसके बाद में बाहर कहीं निकालते हैं। इसने दोग तो दी नहीं, जन्म हो गया, घर में आ गई, एक महीने तक एक रूम में कैद रही, उसके बाद में अब बाहर निकल रही है। हालांकि बीच में हॉस्पिटल जरूर गई थी। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार इसके लाल लाल चेहरा हो गया था, ये पाउडर लगा रही थी, तब आपने मना भी किया था कि ये पाउडर नहीं लगाना चाहिए, तो वो रिएक्शन कर गया। उसके बाद में हम हॉस्पिटल पे डॉक्टर के पास लेके गए, क्रीम दी और ठीक हो गई वापस। तो दोस्तों मम्मी जो साथ में पानी लेके आई है, एक केतली भर के, पिंपल छींच गया ये, रोज पिंपल छींचने के लिए मम्मी जाती है, इसलिए केतली भर के पानी साथ में लेके आई। अच्छा, बैसाख के महीने में पिंपल का सींचना हमारे गांव में आम बात है। आम बात नहीं, सारा ही सींचा है, राजस्थान में ही है, है? राजस्थान सारा, ना ना, पूरे देश में ही है, देश में ही है, बैसाख के महीने में तो सब सींचा है। अभी हम गाड़ी में बैठ गए और मंदिर जा रहे हैं, बाबूड़ी को नींद आ गई। हाँ, प्रसाद कितने लेना है? 100 रुपया में माता जी का, 100 रुपया में हनुमान जी का, मेरा बुलेट है। बुलेट है? बोलो। मतलब कि बच्चा हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसे बोला भाई? महाराज कम दुखा परेशान कम हुआ। अच्छा, मतलब जिस दिन हो रहा था बच्चा, उस दिन जो परेशान हो रही थी, दुख पा रही थी, तब बोला था क्या? नया प्रसाद बोल लेनी तो ही टबर हुए बाद में दुख देगी, यानी पड़े प्रसाद चढ़ाना पड़े देगा। नहीं, फिर भी तो बोल ले, लेकिन मेरा बोल रहा है। कोई बात नहीं। अरे वो प्रसाद चार्ज की होगी 200 रुपया बोल रहा है वो। दोस्तों हम लोग मंदिर पे पहुंच गए, और आते ही सबसे पहले यहाँ पर खेत में हमारे जो गेहूं हुई है वो लेके आए थे, चुग्गा चिड़ियों के लिए वो बरसा रहे हैं। देव काके श्री प्रसाद जय माता जी, जय माता जी, दादा जी राम राम, जय माता जी। ओ एक ले लो, दो ले लो, हाँ छोरा दे दो, तीन चार है, मत ही ले लो, ले लो मैं, रुक तू पकड़, ओ पकड़ तू, ओ पकड़, ले ले ले, शाबाश शाबाश शाबाश। काले प्रसाद है, प्रसाद है, आ कर ले ले ले, आ कहना कुछ। तो भी दोस्तों ये अपनी पहली यात्रा के अंदर ही सो रही है, एक बार भी नहीं उठी, कब से सोई रही है, सोई रही है, इसे पता ही नहीं चलेगा कब मंदिर के दर्शन किए, नींद के अंदर ही राज, नींद ही नींद लिया। देखो खड़ी हो, लेकिन हंस रही है, अच्छी बात, जानबूझ के नींद लिया मम्मी, देखो तेरी स्माइल, नींद लेके रे, नींद लेके दपी को नहीं, तो सुबह सुबह इसके सोने का टाइम होता है, रोज सुबह सुबह ही सोती है ज्यादा। अब इनकी टीम मत का दे, जे की टीम मत का दे,
बबड़ी। जय माता जी की। जय माता जी की। रोज ही आओगे पिंपल सिंचन? हाँ भाई आज जाओ। अपना भाई याद को इनकी दूध माँ। हाँ देखा आप मिंदर में देखा? हाँ कठे मिंदर में देख। रामजल मिंदर में। नहीं भाई निकाल दी। ले भाई मैं उठ जाती। तो देखा आपने पिंपल सींचने के लिए यहाँ पर भी गांव की जो महिलाएं आई हुई है, और हमारे गांव में ऐसे है ही कि पिंपल जो सींचने के लिए रोज सुबह लगभग लगभग सभी महिलाएं जो इसी तरह से जाती है, और गांव में जितने भी पिंपल है उनमें जल डाला जाता है कहीं पर भी हो चाहे। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। माता जी के बाद में बचाएंगे। जय हनुमान जी। अभी जिस पीछे मंदिर पर प्रोग्राम था ठाकुर जी मंदिर, वहां पर आ गए हैं उसके बाद में। तो दादे भाई अभी दोस्तों आप हैं हमारे पुजारी जी गांव के, श्याम जी ले भाई। यस यस यस। लव सुरेश एक और ले बिंगो। लो लाल जी प्रसाद दी ले लो। जय ठाकुर जी की। लो भाई नंदी महाराज की जय हो। बाबू टिको टिको काट दियो। और उसके बाद में एक और मंदिर आ गए, हरिराम जी और हनुमान जी का मंदिर है। काम चल रहा है, काम चल रहे मंदिर पर है। जय बाला जी। राम राम दादा जी। और क्या हो ठीक है? क्या सुनाई करो? वैसाख में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे गांव के सबसे अभी जो बुजुर्ग पुजारी जी हैं वो आप हैं। सब बुजुर्ग थे ही तो, और सबसे ज़्यादा समय भी हो गया अभी पूजा करते हुए। 40 वर्ष हो गए। 40 संजय नाम है। बोलो जय माता जी की। जय माता जी की। जय जय लो। ये महाराज माता जी बजरंगली राम बाबा तेरे हो। ज़्यादा देर नींद ना में उठी कोई नहीं है। 10 बजे ताई सुत रहे हो है। यात्रा नींद में अंदर पूरी कर ली। पूरी नींद पूरी हुई पहले आँख खोल लगो नहीं। 10 बजे नींद पूरी हो जब आँख खोल सी तो दोस्तों ये पहली यात्रा जो गुड़िया की पूरी हो गई। गुड़िया यात्रा शुरू कर से हैं घर बैठ बैठे दाब की यात्रा करने वाली हो गई। भूख लगी ला लो। ओरी ये को भूख ना और कोई बात है। जैसे अंदर आई रूम के अंदर आते ही जाग गई। ओए